Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 22nd of October 2023. From today's paper, we'll be discussing about the avian influenza virus, dam safety app, and about the same-sex marriage. So the avian influenza virus is a very short topic. And the Dam Safety Act, in this we'll be talking about the provisions of this act. And there are opinions given in the newspaper regarding it. Is it safe or not? Then we'll be talking about the same-sex marriage. This is a very important topic. Is it the editorial se aapko mentioned ki baare mein pata chal jayega? Aapko Supreme Court ki important articles jo hai, Supreme Court se related. इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स उनके बारे में पता चल जाएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसके बारे में आपको पता चलेगा, पार्लियामेंट का क्या पावर होता है इसमें आपको पता चलेगा, द एथिकल कंसर्न्स, यू कैन प्रीटी वेल रिलेट दिस टॉपिक विद द एथिकल कंसर्न, ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन फ्रॉम टुडेस पेपर अबाउट द एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, द डैम सेफ्टी एक्ट एंड द सेम सेक्स मैरिज. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस अंडरगो द मेजर इवोल्यूशनरी चेंजेस. ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो रीसेंट स्टडी पब्लिश हुई है इन द नेचर, वो ये रिवील करती है, सो दिस बेसिकली स्टडी रिवील्स दैट एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसमें आपको मेजर चेंजेस देखने के लिए मिले हैं इन द इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन ऑफ हाईली पैथोजेनिक एवियन H5 इन्फ्लुएंजा वायरस, इंक्लूडिंग द शिफ्ट इन द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन. पहली बात तो आपके पास ये जो एवियन H5 इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसका जो इवोल्यूशन है, इसका जो इकोलॉजी है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिला है. प्लस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ओरिजिनली ये एशिया में था, अब एशिया के बियॉन्ड भी आपको उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो एपी सेंटर है, वो शिफ्ट होते हुए दिखेगा, राइट? सो द फाइंडिंग सजेस्ट दैट द एपी सेंटर ऑफ दीज वायरसेस हैज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द एशिया टू न्यू रीजन्स इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप. Highly pathogenic avian H5N1 virus activity has intensified since 2021. 2021 के टाइम से H5N1 virus, यानी कि जो avian वाला जो virus है, ये काफी ज्यादा पूरे विश्व में intensified हो रहा था, जिसकी वजह से काफी wild birds जो है, poultry जो है, mammals जिसमें human beings भी included है, उनके बहुत ही भारी तादाद में death जो है वो हो रही है. इनिशियली शुरुआत कहां से हुई इसकी? 1996 में इमर्ज इन दी चाइना, H5N1 इमर्ज इन चाइना इन 1996. सो द स्केल ऑफ H5 आउटब्रेक इन द वाइल्ड वर्ल्ड हैज एस्केलेटेड बियॉन्ड द एशिया सिंस 2014, बट द ओरिजिन्स ऑफ रीसेंट रिसर्चेस एंड द अंडरलाइंग इवोल्यूशन ऑफ दीज वायरसेस हैज बीन अनक्लियर. तो अब आप कह रहे हो कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसकी इकोलॉजी में बदलाव आया है, इवोल्यूशन के अंदर इसमें आपको चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिला है, राइट? इसका जो आपके पास एपिसेंटर है वो एशिया से बाहर की तरफ जा रहा है. तो व्हाट इज दिस एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, या फिर व्हाट इज दिस बर्ड फ्लू वायरस, इसको हम यहाँ पे देखते हैं. तो एवियन इन्फ्लुएंजा, इट इज ऑल्सो नोन एज बर्ड फ्लू, एक ऐसी बीमारी का नाम है which is caused by the infection with the influenza type A virus. जब भी bird flu का नाम आता है, avian influenza का बात आता है, ये ऐसी disease है, which is a viral disease, और virus का नाम क्या है? Influenza type A virus. So, infrequently, the virus can infect the mammals from birds, a phenomena called spillover, and rarely can spread between the mammals. बहुत इंटरेस्टिंग है. एक होता है जूनोटिक डिजीज, यानी जानवरों से जो इंसानों में बीमारी फैलती है वो जूनोटिक डिजीज है. तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि ये जो वायरस है मैमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है? बर्ड्स के थ्रू मैमल्स में भी इन्फेक्ट हो सकता है, ह्यूमंस में भी इन्फेक्ट हो सकता है, विच इज अ फिनोमिना वाया अ फिनोमिना नोन एज स्पिल ओवर. और बहुत रेयरली है कि ये बिटवीन द मैमल्स, यानी एक मैमल से दूसरे मैमल में स्प्रेड हो पा रहा है. तो ये जो H5N1 है, ये इसी का सब टाइप है.
हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है ना। सबसे पहले हमने देखा कि एवियन जो इन्फ्लुएंजा है वो क्या होता है, इसको हमने बोला कि भाई इसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। ये ठीक है, ये बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा को करने वाला जो वायरस है वो है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। अब हम बात कर रहे हैं कि H5N1 जो है वो इसी का सब टाइप है। इट हैज द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट द अदर मैमल्स सच एज मिंक, पैरट, सी, डोमेस्टिक कैट एंड अदर्स थ्रू द कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड द फीसेस और द इन्फेक्टेड बर्ड कैरकेसेस। सो व्हाट आर द सिम्टम्स इन द ह्यूमंस एंड एवियन इन्फ्लुएंजा का जो इंडिया के अंदर स्टैंड है अपना स्टेटस है वो क्या है। अगर किसी ह्यूमन को ये बीमारी हो जाती है तो क्या सिम्टम्स है जिसके तो आप पता लगा सकते हो, फीवर है, कफ है, सॉर थ्रोट, मसल एक, नौजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड वॉमिटिंग। पीपल कैन ऑल्सो डेवलप सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस, फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, न्यूमोनिया हो सकता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी जो डिजीज है, डिस्ट्रेस है वो हो सकता है। अब इंडिया में इसका स्टेटस देखते हैं 2019, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा। देखो फ्री का मतलब क्या होता है कि बहुत साल तक नोटिस किया है कि एक दो साल हो गया कि कोई केस नहीं आया, तो हम क्या बोलते कि ठीक है इंडिया हैज वॉज डिक्लेयर्ड फ्रॉम द फ्री फ्रॉम द एवियन इन्फ्लुएंजा विच हैज ऑल्सो बीन नोटिफाइड टू द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। लेकिन 2020 में और अर्ली 2021 H5N1 और H5N8 इनके केसेस फिर से इंडिया में कम से कम 15 स्टेट की जो पोल्ट्री है उसमें देखने के लिए मिला। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स के थ्रू सजेस्ट किया जाता है, कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द वायरल रेप्लिकेशन एंड इंप्रूव द प्रोस्पेक्ट ऑफ सर्वाइवल। अब कंसर्न की बात क्या है, व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट इट, द वाइडस्प्रेड H5N1 आउटब्रेक हैव सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंपैक्ट resulting in the significant losses to the poultry industry, affecting the food and vaccine security and environmental concern तो obviously होता ही होता है। तो जैसे हमने कहा कि जो bird flu है, यानी कि जो avian वाला जो हमने disease पड़ा, that was because of the type 1, type A, you know, influenza type A virus, तो यानी और भी तरह के virus होंगे। So now we'll be talking about the types of influenza virus, कितने प्रकार के influenza virus होते हैं। तो चार प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस यहाँ पे होता है, ए है, बी है, सी है और डी है। टाइप ए तो क्लियर था, लाइक इट वाज रिस्पांसिबल फॉर द बर्ड फ्लू, राइट। तो इन्फ्लुएंजा जो वायरसेस है ए और बी, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा दैट कॉजेस एपिडेमिक सीजनल इन्फेक्शंस नियरली एवरी ईयर। एक टर्म को आप समझिए सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखा है एपिडेमिक। और जब कोरोना का समय चल रहा था सब कह रहे थे भाई ये पेंडेमिक है, तो एपिडेमिक क्या है और पेंडेमिक क्या है। पेंडेमिक का मतलब होता है जब कोई बीमारी पूरे विश्व भर में फैल रही होती है, ऐसे कोई पर्टिकुलर एक एरिया नहीं होता, उसको पेंडेमिक बोलते हैं कि एशिया के अंदर था, यूरोप के अंदर था, चाइना था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, राइट, इटली में तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो जब कोई ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व स्तर पर पूरी वर्ल्ड के लेवल पे जा रही होती है, दैट इज नोन एज योर पेंडेमिक। बट वेन यू टॉक अबाउट द एपिडेमिक, इट इज द सिचुएशन जब वो एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्फ्लुएंजा ए और बी ये दो टाइप की इन्फ्लुएंजा है जो कि सीजनल इन्फेक्शन करते हैं हर साल, यानी कि हर साल एक समय आता है जब पर्टिकुलर एक एरिया में ये एपिडेमिक जो उसको कॉज कर रहे होते हैं। इन्फ्लुएंजा सी की बात करें मोस्टली ये ह्यूमंस में देखा जाता है, बट हैज बीन नोन टू ऑल्सो अकर इन द डॉग्स एंड पिग्स। और इन्फ्लुएंजा डी आपको हमेशा या फिर मेनली आपको कैटल में देखने के लिए मिलेगा। टाइप ए जो है उससे आपसे क्या हमने बात करी कि वो बर्ड जो फ्लू है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टाइप ए वायरसेस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टू प्रोटीन्स। अब यहाँ पे देखेंगे हम, वी सेड दैट दिस इज द टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस, टाइप ए, ठीक है, टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस। इससे क्या हो रहा था आपके पास, बर्ड फ्लू हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था, बर्ड फ्लू हो रहा था। So we can classify this type A virus as per the
प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बोल सकते हो हीमोग्लोबिन। बायो की वर्ड से डरना नहीं होता, ब्रेक द वर्ड यू आर इजी एबल टू प्रोनाउंस इट लाइक हीमोग्लोबिन, दैट इज एच ए। एंड द सेकेंड वन वुड बी योर द न्यूरो मिलीडीज। ठीक है, ये क्या होता है न्यूरो मिलीडीज, दैट इज द एग। तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बन सकते हैं प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल H5N1 है और H7N2 है, H9N6, H17N10, H18N11 एक्सेट्रा। तो ये जितने भी प्रकार के सब टाइप है ए वायरसेस के, वो बर्ड्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट H17N10 एंड H18N11, जो कि मोस्टली जो बैट्स होती है उसमें इनका इन्फेक्शन जो है देखने के लिए मिलता है। तो डिजीज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें जो बायोलॉजी का सेक्शन है जिसमें डिजीज का आता है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो 2015 में इससे क्वेश्चन आया था, H1N1 वायरस इज समटाइम्स मेंशनड इन द न्यूज विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। क्या इससे एड्स हो रही है, क्या इससे बर्ड फ्लू हो रहा है, क्या इससे डेंगू हो रहा है, क्या इससे स्वाइन फ्लू हो रहा है। तो इसका आंसर स्वाइन फ्लू होगा या बर्ड फ्लू होगा, ये आपको पता करके आ रहा है, राइट। दिस इज H1N1 वायरस। फिर से देखेंगे, व्हेन यू टॉक अबाउट द बर्ड फ्लू वायरस, यहाँ पे आपके पास है H5N1 ठीक, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है H1N1, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा वायरस है और बर्ड फ्लू या फिर एवियन के लिए कौन सा वायरस है। That is the why, that is the reason that you have to revise, you know, multiple revision, because इस तरह की क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, that is, the dams, India need to relook the dam safety act. अभी सिक्किम में ग्लेशियल एक बादल फट जाने की वजह से, जो आउटबर्स की वजह से जो फ्लड आया है उससे भारी नुकसान हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट डैम का जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जो डिजास्टर के पैटर्न रिसेंटली हमें देखने के लिए मिला है, क्या ये हमारी बहुत बड़ी लापरवाही को शो करता है या एक नेचुरल फिनोमेना। देखो नेचुरल फिनोमेना तो होने से रहा, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से ये हो रहा है, जिस तादाद में ये हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा निग्लेक्ट, हमारा लापरवाही, हमारे जो एक्शन है उसके बारे में यहाँ पे बात की। इंडिया में लगभग 6000 बड़े डैम, उनमें से 80% जो है कम से कम 25 साल पुराने डैम है। सोच के देखिए, डैम जो है पानी को रोकने का काम करता है, डैम टूट जाए तो भाई बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए। तो 25 साल पुराने डैम, उसको हम यानी कितने पुराने हैं, यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट डैम, या कुछ उनका करना पड़ेगा ठीक से, ताकि उनका सेफ्टी क्या आप देख सको। बट मोस्टली 60,000 यहाँ पे लार्ज डैम से, अमोंग दैट 80% जो है 25 साल पुराने। 2021 के अंदर डैम सेफ्टी एक्ट जो है पास किया गया था। अब देखो 4 अक्टूबर को सबको पता है सिक्किम में ग्लेशियर लीक आउटबर्स फ्लड हुई, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था तीस्ता 3 डैम सिमडाम था में, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। यू हैव टू रिवाइज टुडे अबाउट द तीस्ता रिवर, क्या ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, कहां से इसका ओरिजिन है, कहां ये जा रही है। तो रिपोर्ट के मुताबिक जब ये ग्लेशियल फ्लड का कुछ हुआ था, कोई वार्निंग सिस्टम नहीं था, कोई रिस्क असेसमेंट या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो इसमें नहीं लिया गया, राइट। अब डैम सेफ्टी एक्ट की जो प्रोविजंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो एक्ट है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिस्ट किया गया था, जो कि मैंडेटेड होगी नेशनल और स्टेट लेवल बॉडीज के लिए, कि आपको उनको एस्टैब्लिश करके इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि नेशनल कमिटी बनानी होगी डैम सेफ्टी पे, ये क्या करेगी, वुड ओवरसी द डैम सेफ्टी पॉलिसीज और रेगुलेट। फिर एक डैम सेफ्टी अथॉरिटी होगा, इसके ऊपर चार्जेस होंगे विद इंप्लीमेंटेशन एंड रिजॉल्विंग द स्टेट लेवल डिस्प्यूट। देन देयर विल बी द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन, इट वुड हैव डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल एट द नेशनल लेवल। अ स्टेट कमिटी ऑन द डैम सेफ्टी एंड द स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन वुड बी सेट अप। तो सिक्किम में ये जो STDS है, यानी कि स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, 17 अगस्त को बनाई थी, जिसमें 9 मेंबर्स थे, राइट।
तो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट डू द स्टेट नीड टू डू, कि यहाँ पे जो प्रोविजंस है दे रिक्वायर द स्टेट टू क्लासिफाई द डैम्स बेस्ड ऑन द हजार्ड रिस्क, कि भाई आपके राज्य में जितने भी डैम है आप उनको हजार्ड रिस्क के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करो कि भाई सबसे ज्यादा खतरा इसको है, फिर इसको है, फिर इसको है, फिर उसके आप रेगुलर इंस्पेक्शन करवाइए, एक इमरजेंसी एक्शन प्लान तैयार करिए कि अगर ऐसा हो गया इमरजेंसी में तो किस तरह से हम उनको बचा सकते हैं। इंस्टीट्यूट की जो इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम है वो आप प्रिपेयर करिए, सेफ्टी जो रिव्यूज है उसको आप करिए, पीरियोडिक और लेवल पे रेगुलर लेवल पे आप इनका रिस्क असेसमेंट की स्टडीज जो है करते रहिए। इंपॉर्टेंटली स्टेट्स को आस्क टू रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड द इंसिडेंट्स ऑफ डैम फेलियर्स एज वेल। So no statutory provision required a systematic reporting of failures and no single agency was tasked with tracking this data. बहुत ही strange बात है। तो क्या ये जो action है ये comply अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा? अगर इस act के अंदर जो भी provisions लिए गए हैं वो कोई state पूरा नहीं करता है तो क्या होगा? बिल्कुल उनको ये punishable offense होगा, या तो उनको jail हो सकता है या fine वहां पे जो है वो लग सकता है। ठीक है, example देखते हैं। इसी साल स्टार्ट के महीने में सिक्किम के हाईकोर्ट ने गति हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी को 70 लाख यानी कि टू विडोड मदर्स जो है फॉर द नॉन कंप्लायंस विद द डैम सेफ्टी एक्ट के लिए कंपनी दिया है। चैलेंजेस क्या आते हैं यहाँ पे? एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिक्किम जो इंसिडेंट है इट एग्जेम्प्लीफाइड द ब्लाइंड स्पॉट इन बोथ लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सिक्किम का जो केस है ये आंख खोलने वाला केस है कि हमारा लेजिस्लेशन में कहीं ना कहीं कमी है और जो लेजिस्लेशन है उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाने में भी बहुत बड़ी कमी है, राइट? सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस। सो हाउ इज द डैम सेफ्टी अंडरटेकन? डैम सेफ्टी के लिए करना क्या होता है? देखो सबसे पहले ये बहुत अलग अलग फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, जैसे कि डिजाइनिंग है, कंस्ट्रक्टिंग द डैम्स और दैट एडहेर टू द सेफ्टी मार्जिन, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग डैम एज पर द गाइडलाइंस। सिक्किम का जो ये पोअर कंप्लाइंस को रिलीव कर जो है आपको शो करता है। पीरियोडिक रिव्यूज जो है वो होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल अबाउट द सेम सेक्स मैरिज। कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स जो मैरिज है उसको अलाउ क्यों नहीं किया या फिर उसको लीगलाइज क्यों नहीं किया, इसके बारे में यहाँ पे पूरा जो डिस्कशन है वो यहाँ पे हो रहा है। तो क्वेश्चन जो पूरी एडिटोरियल में है कि पेटिशनर्स क्या चाहते थे, जो कोर्ट है Why they did not allow this special marriage act to use for the queer couples? Queer couples कौन से होते हैं? LGBTQ+, अभी lesbian gay सबको पता है, आगे की full form किसी को पता नहीं है ना, पूरी full form इसकी जो है आप पता करके आइए, LG तक की मत रुक जाइए। तो queer क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। With the legislature, we open to enacting a law to make sense same sex marriage legal. तो इस पूरे मुद्दे को समझते, देखो हुआ क्या है, आपके पास जो सेक्शन है आईपीसी का 377 होना चाहिए जहां तक मुझे मालूम है, आई नीड टू चेक इट, ठीक है। उसमें ऐसा है कि देयर आर सर्टेन क्राइम्स, फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल सेक्स और द एनल सेक्स जो है, या फिर एनिमल्स के साथ आप सेक्स करते हो, इस तरह से 2-3 पॉइंट्स वहां पे लिखे हुए हैं कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, राइट? दैट इज क्रिमिनल ऑफेंस। और वहीं पे होमोसेक्सुअलिटी का नाम भी था, होमोसेक्सुअलिटी बोले तो एक लड़की ने दूसरी लड़की से ही शादी कर ली, एक लड़के ने दूसरे लड़के से ही शादी कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, होमोसेक्सुअलिटी को यहाँ से हटा दिया, है ना? तो होमोसेक्सुअलिटी यहाँ से हटा दिया मतलब अब क्राइम नहीं है। तो यानी एक लड़का अभी लड़के से शादी कर रहा है तो वो क्राइम नहीं है, एक लड़की एक लड़के से शादी कर रही तो वो क्राइम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है फिर? तो यहाँ पे ये जो होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो क्वीर कम्युनिटी के लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपने हमको वहां से हटा तो दिया है, क्राइम तो नहीं है, बट हम लोग लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बींग अ गर्ल, इफ आई मैरी टू अनदर गर्ल एंड इफ आई वॉन्ट टू अडॉप्ट अ चिल्ड्रन, तो उसके लिए जो भी प्रोसीजर होना चाहिए वी आर नॉट लीगली रिकॉग्नाइज। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ प्रॉपर्टी, हाउ कैन आई ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी टू माई चिल्ड्रन, राइट? तो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जो कि लीगल राइट के साथ आते हैं, आपने हमें लीगल राइट नहीं दिए, क्राइम नहीं है ठीक है बट हम लीगली रिकॉग्नाइज नहीं, तो हमें वो लीगली रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि भाई मेरा काम था कि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मैंने कह दिया कि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, अब उसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन जो है लीगल एक्ट के थ्रू आएगा, क्योंकि कौन देगा? पार्लियामेंट देगी भाई, है ना? तो
तो ये पूरी उसका जो मुद्दा है इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आप समझते हैं थ्योरी की बुक। 17 अक्टूबर को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज लीविंग इट टू द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट। The bench ruled that there is no fundamental right to marry and the court cannot intervene. So basically, अब कोई ऐसा कोई मैरी करने का फंडामेंटल राइट नहीं जिसको कोर्ट इंटरवेन कर सकता है। ये पूरी तरह से पार्लियामेंट के अंदर है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, ये हमने आपको बता दिया। तो जो 5 जो जजेस थे यहाँ पे, they accepted that it was a time to end the discrimination against the same-sex couple. They failed to reach a consensus on giving queer couples the status of legally recognized civil union, but the majority of 3 judges holding that any legal status to such a union can only be co-enacted law. Right? So यही इस पूरा जो डिस्कशन है इसमें यहाँ पे बताया गया है अबाउट दिस, राइट। तो अब यहाँ पे जो पेटिशनर है उसने क्या बोला कि अपने इस चीज को समझो कि इंडिया में पर्सनल लॉज होते हैं। मान लो कि कोई मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल ड्यू रिलीजन, मेरा काम यहाँ पे सब समझाना है, आप रिलीजन के फाइट पे मर जाएगा। कोई अगर मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, अगर वहां पे कोई शादी होती है तो मुस्लिम के जो लॉ है पर्सनल लॉ जो उसके अकॉर्डिंग है। अगर हिंदू में कोई शादी हो रही है तो वो हिंदू के अकॉर्डिंग शादी। फिर अगर कोई ऐसा केस की हिंदू मुस्लिम की शादी हो रही है, कोई नॉर्मल कंडीशन में शादी हो रही है, इंटरफेथ मैरिज हो रही है, तो उसके लिए बनाया गया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, which provide for a civil marriage for couples who cannot marry under their personal law should be interpreted as gender neutral, thus allowing the same sex couple to marry and marry. अब यहाँ पे petitioner क्या बोल रहा है कि भाई 1954 में जो special marriage act आया था, यानी कि वो couple जो अपने personal law के अंदर शादी नहीं कर पा रहे हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं, और उस एक्ट के अंदर जब आप शादी करते हो तो वहां पे आपको जेंडर न्यूट्रल इंटरप्रीट किया जाएगा। तो जब यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल इंटरप्रीट किया जा रहा है तो सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट में क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पे भी तो होमोसेक्सुअलिटी है, व्हाई यू कैन नॉट ऐड दैट इन द सेम द स्पेशल मैरिज एक्ट। So they violated, they argued that it violates Article 14, 15, 19, 21 and 25. So they also saw it joint adaptation right. So ye unka pura wahan pe kehna. So court ne kya bola? Court ne bola ki bhai aap mandamus issue nahi kar sakte. Mandamus jo hota hai public authority ke khilaf jo hai under Article 32. Right? That is the writ jurisdiction. Article 32. It talks about the writ jurisdiction of the Supreme Court. और इसी के अंदर एक mandamus आता है जिसमें वो public authority को instruction दे सकता है या direction दे सकता है। But Parliament is not a public authority here. तो Supreme Court कहते हैं कि वो mandamus issue नहीं कर सकते। हाँ, वो scope और effect जो है fundamental right के determine कर सकते हैं। And the rule that Constitution does not recognize marriage as a fundamental right. So the Constitution does not expressly recognize the fundamental right to marry, इसलिए हम यहाँ पे इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। Why did Supreme Court refuse to read down the Special Marriage Act? देखो, Special Marriage Act को read down करने के लिए Supreme Court ने जो मना किया, देखो अगर वो ऐसा करते तो वो held void for excluding the same sex couple. It would mean going back to a time जब आपके दो person, दो caste, दो religion जो है marry नहीं कर सकते, तो वापस हम उसी पुरानी अवस्था में चले जाते। Second, it said that if it were to read down or up provisions for special marriage act, meaning add or delete the word, this would be venturing into the realm of legislature. So whether a change should be brought into the legislative of the essence, A, that is the special marriage act, ki puri tarah se jo parliament hai unke andar nahi aata. So this was all about it today's discussion. If you are liking our explanation, please do subscribe our channel IS Cafe, like and share our video. Thank you so much.